हमने गाइज इस चैनल पर कई तरह के माइक्रोफोन रिव्यू करे, लेकिन गाइज आज जो माइक्रोफोन हमारे पास है ये काफी अलग है पहले वाले रिव्यू किए हुए माइक्रोफोन से, क्योंकि ये है डिजिटेक की तरफ से यूनिडायरेक्शनल इंटरव्यू माइक्रोफोन। जो लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं अपने फोन या फिर कैमरा से और बढ़िया साउंड क्वालिटी चाहते हैं, ये माइक्रोफोन गाइज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है बजट सेगमेंट में। अब प्रैक्टिकली ये कैसा परफॉर्म करता है आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस माइक्रोफोन में नॉइस रिडक्शन का फीचर भी है, 2 पिकअप मोड्स हैं जो मैं आगे आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, और इसमें 2 बिल्ट इन माइक्रोफोन कैप्सूल्स भी है, और इस माइक्रोफोन का मॉडल नेम है DM201। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। तो इस तरफ से यहाँ से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद पहले थर्माकोल को हटा लेते हैं। बहुत अच्छे से पैकेजिंग का ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें कैसे इस माइक्रोफोन को यूज़ करना है सारा कुछ जो है बताया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। खैर इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले निकालते हैं इस वायर को। तो ये है माइक्रोफोन की 5 मीटर की वायर, ये लगती है माइक्रोफोन में और ये लगती है हमारे कैमरा में, और ये 5 मीटर की है क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमें बहुत दूर भी जाना पड़ता है अपने कैमरा से, तो उसके लिए 5 मीटर की जो है अरेंजमेंट इन्होंने कर रखी है। तो 5 मीटर की केबल आप यूज़ कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के साथ में। इसके अलावा हमें मिलता है कैरिंग केस, यानी कि पाउच के अंदर आप माइक्रोफोन को ईजिली लेके जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पाउच हमें देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो है माइक्रोफोन, तो ये है डिजिटेक का माइक्रोफोन, और इस तरह से हमें गाइस ओवरऑल माइक्रोफोन देखने को मिलता है। वेल मैं इसको आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरीके का है इस माइक्रोफोन का। इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। और ये है इसकी विंडशील्ड, तो फोम बेसिकली आप कह सकते हैं, तो जब भी विंडी सिचुएशन होती है तो ये बहुत हेल्प करता है हवा की जो साउंड है वो ना आए, वो नॉइज़ ना आए, तो आप गाइज इसको ज़रूर लगा के यूज़ करें। इसके अलावा गाइज हमें जो मिलता है एक ऑडियो स्प्लिट मिलता है, यानी कि अगर आपको ऑडियो को मॉनिटर भी करना है और माइक्रोफोन को भी अटैच करना है, तो गाइज आपने सिंपली ये लगाना है और ये लगा के आप मॉनिटर भी कर सकते हैं और माइक्रोफोन को अटैच भी कर सकते हैं। और इसमें गाइज हमें 3.5 mm जैक मोबाइल का मिलता है, यानी कि मोबाइल के साथ अगर आप इस माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको गाइज ये लगाना पड़ेगा, और साथ में आपको जो है स्प्लिट ऑडियो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 कनेक्टर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कनेक्टर है इस तरह का, यानी कि अगर आपको नॉर्मल माइक्रोफोन वाले स्टैंड पर इस माइक्रोफोन को लगाना तो आप इजीली लगा सकते हैं। दूसरा है गाइस DSLR के लिए, अगर आपको DSLR मिररलेस कैमरास के ऊपर लगाना है, तो इस तरह से गाइस आप कोल्ड शू माउंट की मदद से इस माइक्रोफोन को अटैच कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली 2 कनेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये है इसकी कंप्लीट पैकेजिंग, और हमें बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस माइक्रोफोन का डिजाइन। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें बटन कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पे लिखा है ऑफ, उसके बाद है नॉर्मल, उसके बाद है टेली, यानी कि अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहते हैं ज्यादा डिस्टेंस नहीं तो आपने इसको नॉर्मल पर करना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है जिससे भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है वो दूर है, तो आपने टैली करना है, तो इसका पिकिंग पैटर्न और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा, इसका थ्रो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। इसके अलावा गाइज हमें जो है इसमें सेल डालने पड़ते हैं, तो इस तरह से गाइज आप इसको ओपन करके इसमें सेल डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है एक सेल डालना होता है यहाँ पे, और इस तरह से गाइज आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं, और इस तरह से फिर वापस से आपको बंद करना है ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। और इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें केबल अटैचमेंट की, तो यहाँ पे आपने लगानी है माइक्रोफोन की केबल, और ये है हमारा माइक्रोफोन। ये जो है यहाँ से सारा जो है पिकिंग पैटर्न है इसका, और इस तरफ से गाइज आपने जो है सारी साउंड को कैप्चर करना है। और जो मटेरियल है ये मेटल का है, एल्यूमिनियम का है ये लग रहा है मेरे को, मतलब जो है हार्ड मटेरियल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और इसके साथ गाइज आपको जो है इस तरह से फोम को अटैच करनी है, और इस तरह से गाइज आप फोम को अटैच करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब गाइज मैंने इसकी फोम को अटैच कर लिया है, तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। अब करते हैं इसको टेस्ट अपने कैमरा के साथ में। तो इस माइक्रोफोन को गाइज टेस्ट करने के लिए मैंने इसको अटैच कर दिया अपने कैनन R6 के साथ में, जिससे आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह की साउंड क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोफोन हमारी वीडियोज में। इसके अलावा गाइज अगर मैं पिकिंग पैटर्न की बात करूँ, तो इस माइक्रोफोन में गाइज हमें यूनिडायरेक्शनल माइक देखने को मिलता है। तभी गाइज जब भी आप इस माइक्रोफोन को जिस भी डायरेक्शन में करेंगे वहां पे गाइज आपको क्रिस्प साउंड सुनने को मिलेगी। अब एज यू कैन सी आपको जो है मेरी साउंड बहुत कम आ रही होगी, क्योंकि गाइज ये जो माइक्रोफोन का फेस है इस तरह मैंने कर रखा है, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि ये जो है डायरेक्शनल वे में कैसे काम करता है। अब जो गाइज जो भी साउंड कैप्चर कर रही है इस तरफ से कर रहा है गाइज, यहाँ से नहीं कर रहा, तभी आपको जो है आवाज मेरी कम आ रही
अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस माइक्रोफोन में हमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी देखने को मिलता है, तो गाइस वो मैं आपको अब टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इस माइक्रोफोन की नॉइस कैंसिलेशन चेक करने के लिए मैंने मैकबुक पर पीछे म्यूजिक लगा दिया है जो है मेरे लेफ्ट की तरफ, और इस तरफ मैं गाइस इसका फेस कर ले तो ताकि जो है ये पता लग जाए कि राइट साइड में अगर हम इसका फेस रखते हैं तो किस तरह से जो है हमारी साउंड को कैप्चर करता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा है, तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है नॉइस कैंसिल कैसे करता है और आपकी साउंड को कैसे पिक करता है। इस वीडियो से आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से ओवरऑल परफॉर्म करता है नॉइस कैंसिलेशन के मामले में। अच्छा गाइज, अब तक आप जो भी साउंड क्वालिटी सुन रहे थे इस वीडियो में वो रिकॉर्ड हो रही थी नॉर्मल मोड में, लेकिन गाइज अब मैं आपको इसका टेली मोड दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि टेली मोड में ये माइक्रोफोन कैसे परफॉर्म करता है अगर हम अपने फेस से दूर रखते हैं माइक्रोफोन को। सो गाइज मैंने एनेबल कर दिया है इस माइक्रोफोन का टैली मोड और मैंने अपने फेस से काफी दूर कर लिया इस माइक्रोफोन को। हालांकि और दूर भी कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा दूर करूंगा तो फ्रेम से बाहर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दूर कर दिया है। और गाइज ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसके पास नहीं जा सकते ज्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो गाइज आप दूर से भी उनकी साउंड को कैप्चर कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपकी ऑडियो सेटिंग आपके कैमरा में सही होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑडियो गेन थोड़ा सा देना पड़ता है तभी गाइज आप जो है दूर से पिकअप कर पाएंगे किसी भी साउंड को। तो इस माइक्रोफोन में गाइज हमें दूर से साउंड पिकअप करने का भी फीचर देखने को मिलता है। और पता गाइज ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ में यूज करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कमाल की है। आप अपने मोबाइल के साथ भी गाइज इसको यूज कर सकते हैं, इसके साथ हमें अलग से कनेक्टर देखने को मिलता है जिसको गाइज आप अपने फोन पर लगाकर इस माइक्रोफोन को अटैच कर सकते हैं और क्रिस्प ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। चलिए गाइस अब बात करते हैं इस माइक्रोफोन के प्राइस की। तो ये माइक्रोफोन हमें मिलता है 1999 रुपीज़ का, यानी कि 2000 रुपये का ये माइक्रोफोन है। आपको गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग इस माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।